माय नेम इज आशीष शर्मा फ्रॉम एम्पलीट्यूड क्लासेस जयपुर एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस वेक्टर अलजेब्रा एंड दिस इज अवर थर्ड लेक्चर. सो वी हैव ऑलरेडी डिस्कस सम बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट वेक्टर्स, स्केलर्स, सूडो वेक्टर्स, सूडो स्केलर्स एंड वेक्टर ऑपरेशंस एंड टेंसर्स. एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, ठीक है. तो कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? सेट ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस विच इज रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई और टू डिस्क्राइब द मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम. सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स एंड एक्सिस, or you can write or which is required to describe the motion of any object. okay, ठीक है. अब अपन जो coordinate system है वो प्रॉब्लम के अंदर किस तरीके की सिमेट्री है उसके अकॉर्डिंग अपने कन्वीनियंटली चूज करते हैं. तो फिलहाल अपन कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ेंगे? कार्टेशियन, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल एंड कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम. कर्विलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम इज बेसिकली जनरल रिप्रेजेंटेशन फॉर ऑल द कोऑर्डिनेट सिस्टम्स. सो आई एम स्टार्टिंग विद कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम. कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, ठीक है. तो अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? कोऑर्डिनेट्स जो अपन लेते हैं वो लेते हैं एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, ठीक है. ये कुछ अच्छा, एक और चीज, कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स. कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये जो एक वर्ड है ये क्या डिफरेंस लेके आता है? व्हाट डिफरेंस दिस वर्ड मेक्स? ऑर्थोगोनल मीन्स ऑल द कोऑर्डिनेट एक्सिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. अगर निर्देश तंत्र जो है अपना जो कोऑर्डिनेट सिस्टम है उसके जितने भी कोऑर्डिनेट एक्सेस हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, तो उस केस में अपन उस कोऑर्डिनेट सिस्टम को क्या कहते हैं? ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं. तो देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है मान लो, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है. एक्चुअली दिस एक्स एक्सिस इज आउट ऑफ द प्लेन दिस वे, ठीक है. तो देखो, x, y एंड z ऑल थ्री आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. इट मीन्स कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इज ऑल्सो एन ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. ओके, ठीक है. तो यहाँ पे सेट ऑफ कोऑर्डिनेट क्या हो गए? x, y एंड z. सपोज दैट दिस इज द पोजिशन ऑफ एनी पॉइंट, सो वी रिप्रेजेंटेड बाई पी एक्स कोमा वाई कोमा जेड, ठीक है. ये जो P पॉइंट है मैंने बोर्ड पे बनाया क्योंकि मैं हवा में बना नहीं सकता. सपोज दैट ये यहाँ पे है, ऐसे है ना, यहाँ है. तो इसके लिए तीनों की पोजीशन अलग अलग है. X एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है इसकी, Y से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है और Z एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस है. जैसे अगर ये इसी प्लेन में होता तो इसकी देखो ये Y एक्सिस से कुछ ना कुछ डिस्टेंस थी और Z एक्सिस से भी कुछ ना कुछ डिस्टेंस, ठीक है. अच्छा, ये ओरिजिन है. ओरिजिन का मतलब क्या है? कि यहाँ पे ऑब्जर्वर है, यहाँ पे ऑब्जर्वर है, ठीक है. अच्छा, ओरिजिन से अगर आप उसकी पोजीशन को डायरेक्ट मिला देते हो तो ये आती है रेडियल डिस्टेंस, रेडियल वेक्टर आर, ठीक है. अच्छा, तो देखो, तो जो पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर जो है वो कैसे लिखा जाएगा इसके अंदर? आर वेक्टर इक्वल्स टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड
के कैप। हेयर आई कैप जे कैप के कैप आर यूनिट वेक्टर्स और यू कैन कॉल देम यूनिट बेसिस वेक्टर। अब बात आती है कि बेसिस वेक्टर क्या होते हैं, क्या आती है कि बेसिस वेक्टर क्या होते हैं, और बेसिस वेक्टर में आपको निकालना भी सिखाऊंगा, ठीक है। तो बेसिस वेक्टर्स आर इंडिपेंडेंट वेक्टर, इंडिपेंडेंट वेक्टर्स विच आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई द पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, पोजिशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन स्पेस। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, सपोज दैट आप आई जे के कैप को, एक बार मैं 2D में बात करता हूँ, आई कैप और जे कैप, और इनको मैं डायरेक्शन से ले लेता हूँ। तो एक्स आई कैप का मतलब क्या है कि आपको आई कैप की डायरेक्शन में एक्स डिस्टेंस चलनी है, मतलब ये ऐसे है ना, तो इस ओरिजिन से कहाँ चले आप, एक्स डिस्टेंस चले आई कैप में, फिर वाई डायरेक्शन, जे कैप की डायरेक्शन में कितना जाना है, वाई डिस्टेंस, तो ये वाई डिस्टेंस, उसके बाद आपको कितना जाना है के कैप की डायरेक्शन में, जेड, तो ये आगे ना एक हवा का पॉइंट जो मैंने कहा था कि मैंने एक बीच में है एक पॉइंट माना है। तो बेसिकली पोजीशन वेक्टर क्या बताता है कि आपको कितने, किस डायरेक्शन में कितना चलना है, किस डायरेक्शन में कितना चलना है, ठीक है। और ये इंडिपेंडेंट होते हैं और ये रिक्वायर्ड होंगे ही होंगे अगर स्पेस के अंदर आपको किसी पोजिशन को बताना है, क्लियर है, ये यूनिट वैक्टर्स हैं। बेसिस वैक्टर निकालने का फॉर्मूला होता है बी आई वैक्टर इक्वल्स टू डेल्टा आर वेक्टर डिवाइडेड बाय डेल्टा यू आई, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा यू आई। तो बी आई क्या है, ये बेसिस वेक्टर है ये, ठीक है। आर वेक्टर क्या है, पोजीशन वेक्टर है, या और यू आई, आई क्या है, यहाँ पे यू सब आई भी कह सकते हैं आप इसको, क्योंकि सबस्क्रिप्ट में है ये सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स। जैसे अगर आपको देखो इसका पहला बेसिस वेक्टर निकालना है, क्या निकालना है, बी वन वेक्टर, क्या निकालना है, बी वन वेक्टर, तो कितना हो जाएगा, डेल, अच्छा सेट ऑफ कोऑर्डिनेट्स, तो इसमें कोऑर्डिनेट्स कौन है, एक्स वाई और जेड, तो यू वन कितना हो गया, एक्स हो गया, यू टू कितना हो गया, वाई हो गया, और यू थ्री कितना हो गया, जेड। आई की वैल्यू कितनी होती है, जितना डायमेंशनल का स्पेस है, 2D है तो 1 2, 3D है तो 1 2 3, क्लियर है, ठीक है। तो पोजिशन वेक्टर एज इट इज, और ये वन है तो यू वन, डेल यू वन, और यू वन कितना है अपना, एक्स, आर वेक्टर की यहां से वैल्यू रख लो आप, तो ये कितना आ गया, डेल अपॉन डेल एक्स, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, तो ये कितना जाएगा यहाँ से, आप इसको बी वन वैक्टर भी कह सकते हो या बी एक्स वैक्टर भी कह सकते हो, कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट कौन सा है, एक्स है। तो देखो एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव, तो ये आ जाएगा आई कैप, कितना आ जाएगा, आई कैप, और बाकी वाई का करोगे जीरो, जेड का करोगे जीरो। तो पहला बेसिस वेक्टर क्या आ गया, आई कैप। तो बेसिकली ये क्या है, यूनिट बेसिस वेक्टर है, आधार है ये, बेसिस का मतलब आधार सदिश, और बेसिस स्टेट क्वांटम में भी अपन पढ़ेंगे, आधार है मतलब ये बेस है उनका, किसी भी पोजीशन को इनके बिना काम नहीं चलेगा। ऐसे अगर आप बी टू निकालोगे तो वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो जे कैप आ जाएगा, एंड सो ऑन, वी कैन डू इट फॉर बी थ्री। सो बी टू वैक्टर इज नथिंग बट बी वाई वैक्टर इज इक्वल टू जे कैप, एंड बी थ्री वैक्टर इज नथिंग बट बी जेड वैक्टर इक्वल्स टू के कैप, इज दैट क्लियर, ठीक है। तो आपको बेसिस वैक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। बेसिस वैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे तो बहुत इजीली हो गए, आगे इनका जो इंपॉर्टेंस है वो बताएंगे। ठीक है, अच्छा
अब अपन किसकी बात करते हैं, स्केल फैक्टर, एक टर्म आती है स्केल फैक्टर। स्केल फैक्टर को डिनोट किया जाता है एच आई से, किसे डिनोट किया जाता है एच आई। आई यहाँ पे देखो डायरेक्शन नहीं है, कोई सबस्क्रिप्ट है, जैसे अपन लिमिट यूज करते हैं ना, अरे लिमिट लगाते हैं ना, लिमिटिंग केस, उसके लिए है ना ये आई सबस्क्रिप्ट है। एक एच आई कितना होगा, बी आई वैक्टर का मैग्नीट्यूड, मतलब ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बेसिस वेक्टर। तो अपना एच वन एच टू और एच थ्री कितना आ जाएगा, देखो बी वन वेक्टर आई कैप है, आई कैप यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड वन, तो ये लो वन, ये बी वन और ये बी वन, क्लियर है। अच्छा अगर ये इसका क्या है, मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड, तो जो यूनिट वेक्टर होते हैं उनको जनरली रिप्रेजेंट किया जाता है, यूनिट वेक्टर्स को ई आई कैप से, मतलब ई वन कैप ई टू कैप ई थ्री कैप। तो ये ई वन ई टू ई थ्री क्या है यहाँ पे अपने लिए, आई कैप जे कैप एंड के कैप। यूनिट वेक्टर का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, ई वन ई टू ई थ्री, ठीक है। कार्टेशियन में इनकी वैल्यू आई जे के होगी, स्फेरिकल में इनकी वैल्यू बदल जाएगी, अभी बताएंगे डिस्कस करेंगे। तो स्केल फैक्टर आ गया आपके पास, बेसिस फैक्टर आ गया आपको समझ में, ठीक है। अच्छा अब हाँ इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ अब मैं, बी आई वैक्टर, इसका मैग्नीट्यूड एच आई और इसकी डायरेक्शन ई आई कैप। तो एक ये रिप्रेजेंटेशन भी आपको याद रखना है। तो यहाँ तक अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप बता सकते हो, ठीक है ठीक है। और जो वेक्टर अलजेब्रा के जो नोट्स हैं मैं सॉफ्ट कॉपी प्रिपेयर करवाता हूँ और उसके बाद में प्रोवाइड कर दूँगा, अदरवाइज़ आप अगर यहाँ से नोट डाउन करना चाहते हो तो आपकी चॉइस है, क्लियर है ठीक है। तो ये अपना हो गया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के बेसिस वेक्टर, स्केल फैक्टर और पोजिशन वेक्टर, ठीक है पोजिशन तक हो गया। अब आगे अपन इसकी और बात करते हैं, तो मैं ये मिटा लेता हूँ। तो कल की क्लास में मैंने बताया था कोऑर्डिनेट प्लेन, बताया था ना। तो कोऑर्डिनेट प्लेन क्या होंगे कि जो भैया आपकी ऐसा प्लेन जो दो कोऑर्डिनेट एक्सिस के इंटरसेक्शन से बन रहा है, कॉमन लेने से बन रहा है, वो सब क्या है, कोऑर्डिनेट प्लेन्स हैं, ठीक है। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, तो ये एक्स वाई, ये वाला प्लेन जो बॉटम है एक्स वाई प्लेन हो गया, ये वाई है ये जेड है, तो ये बोर्ड जो है ये वाई जेड प्लेन हो गया, और एक्स इस तरफ है तो ये जेड एक्स, ये क्या हो गया एक्स जेड प्लेन हो गया। तो कोऑर्डिनेट्स प्लेन कौन से होंगे इसके अंदर, कोऑर्डिनेट प्लेन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन एंड एक्स जेड और जेड एक्स प्लेन, ठीक है। अच्छा एक और चीज समझो, अब अपन बात करेंगे, तीन प्लेन आ गए, तीन कोऑर्डिनेट प्लेन आ गए, ठीक है। तो ये सरफेस बना रहे हैं, प्लेन क्या बनाता है, सरफेस को बनाता है, सरफेस बनाता है, ठीक है। जैसे ये एक बॉक्स है ना, तो इसका जो बॉटम है ये एक्स वाई प्लेन बता रहा है, ये वाई जेड प्लेन बता रहा है, ये और ये पीछे वाला, और जो साइड वॉल है ये किसको बता रही है, जेड एक्स प्लेन को बता रही है। तो इसके कितने आ गए, सिक्स फेस होते हैं, लेकिन क्योंकि एक्स वाई के भी दो हैं, वाई जेड के भी दो हैं और एक्स जेड के भी दो हैं, तो सिक्स है, लेकिन कोऑर्डिनेट प्लेन कितने, तीन ही हैं, ठीक है। तो अपना जो नेक्स्ट आता है, ये प्लेन्स हो गए, इनकी डायरेक्शन की बात करते हैं अपन, है ना। तो सरफेस की डायरेक्शन हमेशा परपेंडिकुलर लेते हैं अपन। तो मैंने कल बताया था कि अगर दो अल्फाबेट ले रहे हो इसका मतलब उन दोनों एक्सिस का कॉमन प्लेन है वो, लेकिन अगर सिंगल लिख रहे हो तो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है। तो एक्स वाई प्लेन को आप क्या लिख सकते हो, जेड प्लेन भी लिख सकते हो, वाई जेड प्लेन को क्या लिख सकते हो, एक्स प्लेन लिख सकते हो, और एक्स जेड प्लेन को क्या लिख सकते हो, वाई प्लेन लिख सकते हो। तो अगर सिंगल अल्फाबेट है इसका मतलब ये उसकी डायरेक्शन बता रहा है। अच्छा अब ये जो मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है, ये राइट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कैसा है, राइट हैंडेड,
तो क्या क्या मतलब है भाई इनका? तो कल अपन ने एक रोस बी में देखो एक रिजल्ट निकालना सिखाया था। कैसे सिखाया था कि आप राइट हैंड लो अपना, पहले वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां फैलाओ, दूसरी की तरफ मोड़ दो, थंब क्या बताएगा? रिजल्टेंट बताएगा। तो ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम जो राइट हैंड की तरह घूम रहे हैं, मतलब जो एंटी क्लॉकवाइज हैं, जो एंटी क्लॉकवाइज हैं, उनको अपन बोलते हैं राइट हैंडेड। देखो पहले एक्स, फिर वाई, फिर जेड। तो ये कैसे घूम रहा है? एक्स एक्स वाई जेड कैसे घूम रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। अगर मैं कोऑर्डिनेट सिस्टम इस तरीके से बना लेता हूँ, एक्स वाई एंड जेड, देन दिस इज रोटेटिंग इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इट मीन्स दिस इज लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट प्लेन, सॉरी लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्लियर है? अगर आप लेफ्ट हैंडेड कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उस केस में आपको डायरेक्शन वगैरह कैलकुलेट करने के लिए लेफ्ट हैंड यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है ना? हाँ, तो अपन ये जनरली यूज़ ही नहीं करते, लेकिन इन्फॉर्मेशन के लिए मैंने बता दिया। आप कर सकते हो, बस लेफ्ट हैंड यूज़ करना है फिर आपको। क्लियर है? चलो, तो अब ये हो गया पोजिशन वैक्टर। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट, और आई विल कॉल इट इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। इनफाइनाइटेसिमल वर्ड का मतलब है बहुत छोटा, बहुत छोटा। इनफाइनाइटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। ओके, आप देखो कुछ बुक्स के अंदर इसको डी आई वैक्टर से डिनोट कर देते हैं, ठीक है? वरना ये डिस्प्लेसमेंट है तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डी आर वैक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं, डी आर वैक्टर। अब एक चीज़ का ध्यान रखना, डिस्प्लेसमेंट है ये डी डी आर, मतलब छोटा सा चेंज। तो देखो मान लो कोई भी एक पॉइंट था, ये पॉइंट यहाँ था, अगर इस पॉइंट में अगर मैं वाई डायरेक्शन में इसको वाई के अलोंग थोड़ा डिस्प्लेस करता हूँ इस डायरेक्शन में, तो यहाँ से ये पॉइंट यहाँ आ गया, तो इसकी पोजीशन में कौन कौन चीज़ बदली है? क्या एक्स बदला है? नहीं। क्या जेड बदला है? नहीं। अगर मैं वाई के अलोंग कर रहा हूँ तो कितना, जैसे मान लो इसकी पोजीशन यहाँ वाई थी और यहाँ पे वाई प्लस डी वाई हो गया, ठीक है? ऐसे ही फिर मैं इसके जेड की पोजीशन में चेंज करता हूँ थोड़ा सा, ये यहाँ से यहाँ आ गया, तो ये डी जेड। तब इसकी पोजीशन क्या हो गई? एक्स वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड। अब मैं इसका एक्स भी थोड़ा चेंज कर देता हूँ, मतलब इसको थोड़ा ऊपर उठा लेता हूँ, तो इसकी पोजीशन नई जो पोजीशन होगी, या डॉटेड लाइन से बता देता हूँ मैं, तो नई पोजीशन होगी ये बाहर है, ये पॉइंट यहाँ नहीं है, ये थोड़ा बाहर है, तो नई पोजीशन क्या हो जाएगी इसकी? एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है? वाई प्लस डी वाई एंड जेड प्लस डी जेड, ठीक है? अच्छा, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? जब मैंने वाई की डायरेक्शन में डी वाई डिस्प्लेसमेंट किया तो सिर्फ उसी की डायरेक्शन में आया डिस्प्लेसमेंट, ऐसे ही जेड में जेड के लिए और एक्स के लिए एक्स के लिए। तो यहाँ पे कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। सो दिस इज फाइनल पोजीशन, दिस इज एक्स वाई जेड के लिए जब करोगे तो दिस इज इनिशियल पोजीशन। तो फाइनल में से इनिशियल घटाओगे तो कितना बच जाएगा? डी एक्स, किस डायरेक्शन में था ये चेंज? एक्स की डायरेक्शन में था, आई कैप प्लस डी वाई जे कैप प्लस डी जेड के कैप, ठीक है? जब आई कैप में मैं चेंज कर रहा हूँ तो डी एक्स चेंज आया, जब जे कैप में कर रहा हूँ तो डी वाई आया, और जब के कैप में मैंने चेंज किया तो कितना चेंज आया? डी जेड चेंज आया। तो ये हो गया अपना इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है? अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं किसकी? सरफेस एलिमेंट की। सरफेस एलिमेंट का मतलब क्या हो गया कि एक इन्फाइनिटेसिमल एरिया ले रहे हो आप, इन्फाइनिटेसिमल सरफेस एरिया ले रहे हो, ये इन्फाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट था। जैसे मैं यहां बना लेता हूं, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, ठीक है? अच्छा, तो देखो मैं आपको सुविधा के लिए, ताकि आपको दिखे, ये इसको मैं बड़ा बना रहा हूँ, लेकिन असल में ये क्या होता है? बहुत छोटा होता है। तो मैं इसको बड़ा बना लेता हूँ आपकी सुविधा के लिए सिर्फ, ताकि आपको समझ में आए। एक बॉक्स है, 3D बॉक्स हो गया ये डायरेक्शन एक्स है, ये डायरेक्शन वाई है, और ये जेड डायरेक्शन है। तो ये कितना है? डी एक्स।
ठीक है ना। अच्छा जेड डायरेक्शन में ये जो है ये क्या है, डी जेड, सॉरी डीएक्स नहीं था, डी वाई है ना, वाई की डायरेक्शन में ना ये वाई, सॉरी दिस इज जेड डायरेक्शन, सो दिस इज डी जेड, दिस इज डी जेड, दिस इज डी जेड, जितनी भी हाइट है सब डी जेड है, ये डी वाई है, ये डी वाई है, ये डी वाई है, ये डी वाई है, ऐसे ये क्या है डीएक्स, ये बॉक्स ऐसे उभरता हुआ बाहर आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है अपना डीएक्स। ठीक है, तो तीन इन्फाइनिटेसिमल लेंथ एलिमेंट हैं ये, डीएक्स, डी वाई एंड डी जेड। तो एरिया बनाना है, कितने कोऑर्डिनेट प्लेन होते हैं, तीन, एक, दो और तीन, तो सरफेस एलिमेंट भी कितने होंगे, तीन होंगे। ठीक है, तो पहले अपन इसकी बात करते हैं डीएस, इसको चाहे तो आप जेड, अगर सिंगल स्क्रिप्ट लगाते हो सबस्क्रिप्ट, इसका मतलब ये डायरेक्शन बता रहा है, और अगर दो लगाते हो तो इसका मतलब उन दो एक्सिस से जो प्लेन बन रहा है उसको बता रहा है, वेक्टर क्वांटिटी। तो देखो किस तरीके से करते हैं, सरफेस एरिया क्या होता है, ये एक स्क्वायर ही तो है, स्क्वायर, तो इस सॉरी रेक्टेंगल कह सकते हो आप, स्क्वायर की जगह इसको रेक्टेंगल कह सकते हो, जो नीचे वाली सरफेस है। अरे जैसे ये बॉक्स है तो इसके नीचे जो सरफेस है ये तो स्क्वायर शेप लग रही है, लेकिन क्या हो सकता है, ये रेक्टेंगल भी तो हो सकता है, तो ये डी वाई है और ये जो है ये डी एक्स है। तो देखो मैं इसको थोड़ा यूं कर लेता हूँ, ये डी एक्स है, ये डी वाई है, तो इसका एरिया कितना हो गया, डी एक्स इंटू डी वाई, क्या हो गया एरिया, डी एक्स इंटू डी वाई, डी एक्स इंटू डी वाई, और डायरेक्शन सरफेस के हमेशा परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई का परपेंडिकुलर मतलब जेड कैप, जेड कैप, और यू कैन राइट के कैप, है ना, एक ही बात है। ये लो मैं के कैप कर देता हूँ क्योंकि मैं के कैप यूज़ कर रहा था। ऐसे देखो वाई जेड प्लेन की बात करते हैं, डी एस वाई जेड प्लेन, तो वाई जेड प्लेन कौन से हैं ये मैं मिटा लेता हूँ अब, ये जो बोर्ड पे बोर्ड के लेवल के जो प्लेन है ये क्या एक वाई जेड प्लेन है, तो ये डी वाई और ये डी जेड, तो डी वाई इंटू डी जेड, डायरेक्शन वाई और जेड से बन रहा है, तो परपेंडिकुलर कौन आता है, एक्स कैप मतलब आई कैप, और ऐसे ही डी एक्स एक्स जेड प्लेन का क्या आ जाएगा, डी एक्स डी जेड जे कैप, तो ये क्या आ गया अपने सरफेस एलिमेंट आ गए, क्या आ गए सरफेस एलिमेंट। डायरेक्ट याद करने का तरीका क्या है, जिन जिन प्लेन के अंदर है उनके लिए स्मॉल चेंज लिखना होता है मल्टीप्लाई करके डी एक्स डी वाई, और डायरेक्शन फिर उसके परपेंडिकुलर, जैसे देखो वाई जेड प्लेन है तो डी वाई डी जेड और डायरेक्शन आई कैप, एक्स जेड है तो डी एक्स डी जेड जे कैप, ये याद करने का तरीका हो गया। ठीक है चलो, तो ये बन गया अपना सरफेस एलिमेंट। ठीक है, अब अपन अगली बात करते हैं वॉल्यूम, क्योंकि 3D है तो वॉल्यूम भी बनेगा, तो क्यूबॉइड जो घनाभ होता है उसका वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणा चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो देखो डी वाई, डी वाई लंबाई हो गई, डी एक्स चौड़ाई हो गई, और डी जेड ऊंचाई हो गई, तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या आ जाएगा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या आ जाएगा, डी वी, या फिर अपन जब ई डी पढ़ेंगे तो इसको डी वी, वॉल्यूम एलिमेंट को डी टो से भी रिप्रेजेंट कर देंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि जब अपन ई डी पढ़ेंगे तो अपना वी से अपन किसको रिप्रेजेंट करेंगे, पोटेंशियल को, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, तो वहाँ पे कई बार कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है, इसलिए डी टो से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं वॉल्यूम एलिमेंट को। तो कितना हो जाएगा, डी एक्स डी वाई डी जेड, डायरेक्शन आएगी क्या, नहीं आएगी, वॉल्यूम का कोई डायरेक्शन नहीं होती है, वॉल्यूम की कोई डायरेक्शन नहीं होती। तो ये देखो पोजीशन आ गई, इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट आ गया, कोऑर्डिनेट प्लेन के सरफेस एलिमेंट आ गए, वॉल्यूम एलिमेंट आ गया, बेसिस वेक्टर कैसे क्या होते हैं, स्केल फैक्टर क्या होता है वो मैंने बता दिया था। तो ये अपना कार्टेशियन जो है कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म हो गया है, अब अपन स्टार्ट कर रहे हैं स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, कोई डाउट आता है आपको तो आप पूछ सकते हो, और देखो भाई आपकी जो क्लासेज है वो रेगुलर रहेंगी, जो मैंने जो तीन सब्जेक्ट जो है पैरेलल में स्टार्ट कर दिए हैं, और तीनों सब्जेक्ट के जो क्लास है वो डेली एक एक लेक्चर ज़रूर अवेलेबल होगा आपका, और जो सॉलिड के लेक्चर हैं उसमें थोड़ी देर हो रही है क्योंकि हमें टाइम नहीं मिल पाता है, फिर सर जो हैं थोड़े बिजी हैं, लेकिन एक दो दिन में वापस उनकी भी जो कंटिन्यूस स्टार्ट कर देंगे।
तो आप इस बात की टेंशन ना करें कि सिलेबस होगा या नहीं होगा, ठीक है ना। आपको जितना पढ़ाया जा रहा है आप उतना तो पढ़िए। चलो नेक्स्ट आता अपना स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। गोलीय निर्देश तंत्र। तो अगर कभी स्फेरिकल सिमेट्री है आपकी प्रॉब्लम में तो इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को चूज करना ज़्यादा बेटर होता है, ज़्यादा अच्छा होता है। क्लियर है? ठीक है। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर जो कोऑर्डिनेट्स का जो सेट होता है वो होता है आर, थीटा और फाई। तो यहाँ पे आर जो है ये यू वन हो गया, है ना। जनरल मैंने क्या कहा था, कोऑर्डिनेट्स को अपन किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू वन यू टू यू थ्री से। ये क्या हो गया, यू टू हो गया, और ये क्या हो गया, यू थ्री हो गया। क्लियर है? अच्छा, तो इनके जो डायरेक्शन है उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, आर कैप, थीटा कैप और फाई कैप से। तो ये क्या हो गया, ई वन कैप, ये क्या हो गया, ई टू कैप, और ये क्या हो गया, ई थ्री कैप, है ना। यूनिट वेक्टर को ई वन ई टू ई थ्री से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि आर थीटा फाई है क्या। भाई कार्टेशियन में आपने इसकी पोजिशन दी थी एक्स वाई जेड से, यहाँ पे अपन देंगे आर थीटा फाई से। तो सवाल है कि वॉट आर दीज आर थीटा एंड फाई, दिस डिस्टेंस इज आर। तो आर क्या है, रेडियल डिस्टेंस है, रेडियल डिस्टेंस। वेक्टर नहीं लगाया मैंने, सिर्फ डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस। और यू कैन से दैट फ्रॉम ओरिजिन टू ऑब्जर्वेशन पॉइंट, ओरिजिन से लेके ऑब्जर्वेशन पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, स्ट्रेट डिस्टेंस जो है वो आर है। अच्छा, कार्टेशियन के अंदर मैं लिमिट लगाना, लिमिट बताना भूल गया था। तो वहाँ पे देखो एक्स एक्सिस है तो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हो, ऐसे वाई के लिए भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हो, और जेड के लिए भी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कहीं भी जा सकते हो। लेकिन क्या आर नेगेटिव हो सकता है क्या, डिस्टेंस है ये ओरिजिन से लेके बाहर किसी भी पॉइंट तक, तो इस डिस्टेंस कभी भी यहाँ पे आर नेगेटिव नहीं होगा। तो आर की जो लिमिट होगी वो क्या होगी, जीरो टू इन्फिनिटी। मतलब दूर तो जा सकता है लेकिन ये नेगेटिव में नहीं हो सकता। अरे चाहे कितना ही पास हो, डिस्टेंस कुछ ना कुछ आएगी, नेगेटिव डिस्टेंस कैसे आएगी, समझ में आ गई ना बात। तो आर की लिमिट्स क्या होंगी, जीरो टू इन्फिनिटी, अगर ऑल स्पेस की बात करें तो, है ना। अच्छा, थीटा क्या है, थीटा है एंगल ऑफ रेडियल वेक्टर। इसको रेडियल वेक्टर भी कहते हैं। जैसे अगर ये पॉइंट यहाँ है, दिस पॉइंट इज लाइक दिस, है ना। सपोज दैट द ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज हेयर, है ना, हेयर। सो द रेडियल वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन टू दिस ऑब्जर्वेशन पॉइंट इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर, आर वेक्टर, है ना। ये क्लियर है? हाँ। तो एंगल ऑफ रेडियल वेक्टर विद जी एक्सिस, ये जेड एक्सिस के साथ जो एंगल है ये क्या है अपना, थीटा। एंगल ऑफ रेडियल वेक्टर विद जेड एक्सिस और जी एक्सिस। क्लियर है? ठीक है। एंड फाई क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑफ रेडियल वेक्टर, रेडियल वेक्टर ऑन एक्स वाई प्लेन। मतलब ये ऐसे है, ठीक है, और ये आपका एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। तो इस रेडियल वेक्टर का जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा, रेडियल वेक्टर का जो एक्स वाई प्लेन के ऊपर जो प्रोजेक्शन होगा
ठीक है, मैं डॉटेड लाइन से बना लेता हूँ, इसको भी डॉटेड लाइन से बना देता हूँ क्योंकि ये आउट ऑफ द पेज आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रोजेक्शन का ये जो एंगल है ये फाई है, ठीक है, और रेडियल वेक्टर का जो एंगल है जेड एक्सिस के साथ ये थीटा है। क्लियर है भाई? तो तीनों आपको समझ में आ गए, तीनों के लिमिट्स भी मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं एक्स वाई जेड क्या आपका रिलेशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि कार्टेशियन में इसकी वैल्यू कितनी है, पोजीशन एक्स वाई जेड है, तो एक्स वाई जेड का आर थीटा फाई से क्या कनेक्शन है उसकी बात करते हैं। देखो ये आपको थीटा समझ में आ गया, रेडियल वेक्टर का डायरेक्ट जी एक्सिस के साथ जितना एंगल है, और इसका जब आप प्रोजेक्शन डालोगे इस प्लेन के ऊपर, प्रोजेक्शन डालोगे इस प्लेन के ऊपर, मैं समझाने के लिए ये लेता हूँ ना, जैसे ये है अपना एक्स वाई प्लेन है ना, ये जो बुक है ये एक्स वाई प्लेन को बता रहा है, तो अगर ये अपना रेडियल वेक्टर है तो इस रेडियल वेक्टर का जो इस पर प्रोजेक्शन पड़ेगा इस बुक के ऊपर है ना, इस एक्स वाई प्लेन पे, इस प्रोजेक्शन का एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल है वो है फाई। क्लियर चलो ठीक है, अब रिलेशन ढूंढने की कोशिश अपन करते हैं और फिर मैं ये इनके लिमिट्स भी बताऊंगा आपको है ना। देखो सक्सेस वाई एक्सिस जी एक्सिस एंड सपोज दिस इज पोजिशन पी एंड दिस इज आर, ये जो पॉइंट इस बोर्ड पे नहीं है ये हवा में है कहीं, क्योंकि मैं हवा में तो बना नहीं सकता है ना। हाँ तो ये हो गया आर, ये एंगल हो गया थीटा। ठीक है, तो देखो प्रोजेक्शन क्या होता है बेसिकली, प्रोजेक्शन दोबारा बताता हूँ मैं आपको, ये है ये ऐसे है ना, ऐसे इसका जो प्रोजेक्शन है वो प्रोजेक्शन क्या होगा, नीचे वाला ऊपर वाले के बराबर होगा, ऊपर वाले डिस्टेंस के। तो मैं अगर ये वाली कैलकुलेट कर लूँ, अगर मैं ये कैलकुलेट कर लूँ तो इसके बराबर ही प्रोजेक्शन होगा है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस, बेसिकली प्रोजेक्शन क्या होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो होती है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये थीटा है, ये आर है, तो ये कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। तो ये जो प्रोजेक्शन है ये प्रोजेक्शन इसकी यहाँ पे होगा, तो इस प्रोजेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई आर साइन थीटा। क्लियर है? अब ये थीटा है और ये एंगल फाई है, अच्छा ये थीटा ये आर साइन थीटा है, तो ये कितना होगा आर कोस थीटा, और ये आप इजीली कैसे कर सकते हो, ट्रिग्नोमेट्री से, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है बेस होता है, बेस कोस थीटा होता है और ये परपेंडिकुलर साइन थीटा। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है यही क्या है यहाँ पे अपना प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो आप देखो यही जेड था, ये हाइट ही तो जेड है, तो जेड तो आ गया आपका सीधा सीधा जेड इक्वल टू आर कॉस थीटा, लेकिन अभी आपके एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं आए, तो एक्स और वाई कंपोनेंट भी आ जाएंगे। तो देखो ये फाई है, तो फाई के जो सामने है वो परपेंडिकुलर है, तो ये कितना होगा आर साइन थीटा साइन फाई, और ये जो है ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आर साइन थीटा कोस फाई। अरे क्योंकि ये आर साइन थीटा है, तो ऐसे याद कर लो जो एंगल के साथ होता है उसके साथ कोस आता है, तो कोस फाई, सामने वाले के साथ साइन फाई, तो ये वैल्यू किसकी एक्स एक्सिस पे है ना, ये तो ये हो गया एक्स इक्वल टू आर साइन थीटा कोस फाई, और ये वैल्यू इसके सामने है मतलब ये आर इसकी वैल्यू वाई की वैल्यू है, तो वाई कितना हो गया आर साइन थीटा साइन फाई। तो यहाँ पे आपके रिजल्ट क्या आ गए, एक्स इक्वल टू आ गया आर साइन थीटा कॉस फाई, वाई इक्वल टू आ गया आर साइन थीटा साइन फाई, ठीक है, और जेड इक्वल टू आ गया आर कॉस थीटा। ये आपको याद रखने हैं, अगर ई डी पढ़ना है तो कोऑर्डिनेट सिस्टम आने ही चाहिए। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आपके पास एक्स वाई जेड की वैल्यू आ गई है। अब आप मैथमेटिक्स तो इजीली कर ही सकते हो, आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये एक ट्रांसफॉर्मेशन है, जब आपके पास आर थीटा फाई हो तो आप एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, लेकिन अगर आपके पास एक्स वाई जेड हो तो आप आर थीटा फाई कैसे निकालें वो बताते हैं। इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके जोड़ते हो तो कितना आता है आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कोस स्क्वायर फाई प्लस इसका स्क्वायर आर स्क्वायर
साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। क्लियर है? ठीक है। अब इन पहली दो टर्म्स में से अगर मैं आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ, क्या कॉमन लेता हूँ, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लेता हूँ, तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया मैंने, तो इसमें बचा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई, और ये कितना है प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो गया, वन। ठीक है, अब बच गया आपके पास आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, तो इसमें से भी क्या कॉमन ले लोगे, आर स्क्वायर कॉमन ले लोगे, तो कितना जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया वापस वन। तो आपके पास एक रिजल्ट आ गया कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा आर स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, अच्छा ये तो यहाँ से आ गया, वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे, क्योंकि देखो इसकी पोजीशन है एक्स वाई जेड, इसकी पोजीशन है जीरो जीरो जीरो, तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस अपन कैसे निकालते थे, एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर प्लस जेड टू माइनस जेड वन का स्क्वायर, छोटी क्लासेज में मैथमेटिक्स के अंदर आ जाता है, सेवन्थ एट्थ क्लास के अंदर। ठीक है, तो ये तो किसकी वैल्यू आई, सिर्फ आर की आई, अपने को तो एक्स वाई जेड के टर्म्स में थीटा और फाई भी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो देखो थीटा तो यहाँ से आ जाएगा डायरेक्ट, जेड इक्वल टू आर कोस थीटा है, जेड इक्वल टू कितना है आर कोस थीटा, तो कोस थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा जेड अपॉन आर, और आर कितना होता है अंडर रूट, यहाँ से आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, तो थीटा कितना हो जाएगा कोस इनवर्स जेड अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। क्लियर है? ठीक है, तो इसकी अपने को जरूरत नहीं है, ये मैं मिटा लेता हूँ। फाई कैसे निकालोगे, फाई तो मैं क्या करता हूँ, इसको इक्वेशन फर्स्ट देता हूँ, इसको इक्वेशन सेकंड देता हूँ, इसको इक्वेशन थर्ड देता हूँ, डिवाइड द इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन वन, डिवाइड द इक्वेशन सेकंड बाय इक्वेशन वन, सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूँ, तो क्या जाएगा वाई बाई एक्स, आर साइन थीटा से आर साइन थीटा कट जाएगा, साइन फाई अपॉन कोस फाई हो जाएगा टेन फाई, तो फाई यहाँ से कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स, कितना आ जाएगा टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर है? चलो तो देखो ये तीन इक्वेशन हो गई, ये चौथी इक्वेशन, ये फिफ्थ इक्वेशन, ये सिक्स्थ इक्वेशन, तो ये फर्स्ट सेकंड थर्ड कम काम आते हैं जब आपको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट दिए गए हों, मतलब आपको आर थीटा और फाई की वैल्यू दी गई है और आप उसको क्या रिड्यूस करना है, कार्टेशियन में रिड्यूस करना है, तब काम आएंगी। ये इसका जस्ट अपोजिट हो गया, देखो इक्वेशन फोर फाइव सिक्स क्या करते हैं, जब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता हो तो आर निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड पता है तो थीटा निकाल सकते हो, एक्स वाई जेड पता है तो फाई निकाल सकते हो। ठीक है, तो ये इक्वेशन बताती है स्फेरिकल टू कार्टेशियन, और ये इक्वेशन बताती है कार्टेशियन टू स्फेरिकल। क्लियर है? तो ये रिलेशन हो गया। ठीक है, अब बात करता हूँ इनके लिमिट्स की, आर का तो आपको पता चल गया जीरो टू इन्फिनिटी। क्लियर है? तो ये अपना एक्स एक्सिस था, दोबारा बताता हूँ, ये अपना आर वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर, ये इसका प्रोजेक्शन है, इसके अंदर समझ में आ रहा होगा, देखो ये ऐसे था आर्बिट्रेरी प्रोजेक्शन, छाया पड़ेगी तो ऐसे परपेंडिकुलर ऐसे। क्लियर है? ठीक है, अब ये जो इन दोनों पेन के बीच, ये जो ब्लू पेन है ये एक्स एक्सिस है, और जो गोल्डन प्लेन है ये प्रोजेक्शन है, आर साइन थीटा है, ये आर साइन थीटा, तो देखो इन दोनों के बीच का एंगल फाई है, तो अगर ये दोनों ओवरलैप कर गए तो एंगल कितना हो गया जीरो, कितना हो गया जीरो। अब मैं इसको घुमाता जाता हूँ, ये 90 हो गया, ठीक है 90 हो गया, 180, 270 एंड 360 अगर मैं पूरा घुमा देता हूँ इस पॉइंट को तो क्या होगा, देखो एक्स एक्सिस था, यहाँ पॉइंट था, यहाँ से मैं ऐसे घुमाता गया और पूरा यहीं आ गया, तो मैं कितना घूमा 2π घूमा, इसका मतलब फाई की वैल्यू कितनी हो सकती है 0 से लेके 2π हो सकती है, 2π मतलब 360। ठीक है, अच्छा अब 0 से लेके 2π हो गई, होने के बाद अपने को देखना है थीटा, थीटा क्या है भैया, जेड एक्सिस के साथ एंगल है, तो ये कितना घूमेगा, ये है,
तो देखो जब आपने फाई घुमाया, तो फाई घुमाने के बाद क्या हुआ, आई डू नॉट हैव एनी सर्कुलर थिंग, अदरवाइज आई कैन टेल यू। ओके लेट मी एक्सप्लेन इट बाय माय हैंड्स। तो देखो पूरा घुमाया था, एक सर्कल बन गया कुछ ऐसा, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, मैं इसको आपको ऐसे दिखा देता हूँ ऐसे। तो एक सर्कल बन जाएगा एक्स वाई प्लेन के अंदर। अच्छा अब मैं इसको जेड एक्सिस के अबाउट अगर घुमाता हूँ, तो देखो घुमाया कितना घुमा, पाई बाय टू, और घुमाया कितना घुमा, पाई, और पूरा स्फेयर बन गया अपना। पूरा स्फेयर बन गया या नहीं बन गया? या पर आप ऐसा करो, एक बैंगल इमेजिन करो, एक चूड़ी इमेजिन करो, गोल चूड़ी, ठीक है ना, ऐसे मैंने पकड़ी हुई है, ऐसे ऐसे इमेजिन करो आप। ठीक है, ठीक है, ऐसे मैंने पकड़ी हुई है, ये घुमाया मैंने, कितना घुमाया, पाई बाय टू घुमाया, सिर्फ यहाँ से यहाँ गया, पाई बाय टू घुमाया। तो देखो इधर का स्फेयर भी बन गया और इधर वाला पार्ट भी बन गया, और पाई बाय टू और घुमाया तो इधर का भी बन गया, इधर का भी बन गया। मतलब सिर्फ 180 डिग्री घुमाने पे स्फेयर बन गया। तो थीटा की लिमिट कितनी होगी? थीटा की लिमिट 0 to π होगी, 0 से 2π नहीं होगी। अगर आपने 2π घुमा दिया, तब तो स्फेयर 2 बार ट्रेस हो जाएगा। कितनी बार ट्रेस हो जाएगा? 2 बार। देखो इमेजिन करो, बैंगल चूड़ी है, एक कड़ा है, जो भी आप इमेजिन करना चाहो। पाई बाय टू घुमाया तो ये सरफेस, ये क्वाड्रेट बन गया और ये वाला बन गया। ठीक है, उसके बाद ऐसे घुमाया तो ये वाला बन गया, ये वाला बन गया। तो मैंने सिर्फ कितना घुमाया, 180, पूरा स्फेयर बन गया। आगे घुमाऊंगा तो स्फेयर दोबारा से ट्रेस होने लग जाएगा, और अपने को एक ही बार ट्रेस करना है। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक अपनी लिमिट्स हो गई हैं और इनके वैल्यूज हो गई हैं। अब अपन बात करेंगे किसकी, इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। किसकी बात करेंगे? इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की। ठीक है, तो मैं ये मिटा लेता हूँ, एक बार मिटा लूँ भाई। और ये मुझे याद है, आपको भी याद करने, काफ़ी कॉमन सी चीज़ है, ग्रेजुएशन में आ जाता है ये, बैचलर ऑफ साइंस BSc के कोर्सेज में ही आ जाता है। ठीक है, देखो अब अपन तो ये जो डायरेक्शन है, ये आर की डायरेक्शन है। जी एक्सिस के साथ जो घूमोगे वो थीटा की डायरेक्शन हो जाएगी, और जो फाई एक्स एक्सिस के साथ घूमोगे तो ये डायरेक्शन हो गई फाई की, ये डायरेक्शन हो गई थीटा की, और आर की डायरेक्शन रेडियली आउटवार्ड, रेडियली आउटवार्ड। तो अगर मैं आर की डायरेक्शन में चेंज करता हूँ, तो ये यहाँ से लेके यहाँ आ गया, तो कितना चेंज आया? dr। क्या थीटा और फाई बदले? नहीं बदलेंगे। इसका मतलब इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट dI वेक्टर, या फिर आप इसको dr वेक्टर भी लिख सकते हो, कितना हो गया dr, किसकी डायरेक्शन में? r कैप की डायरेक्शन में। ठीक है, अब अगर मैं अगर थीटा में चेंज करता हूँ, किस में चेंज करता हूँ, r में चेंज नहीं करता, थीटा में चेंज करता हूँ, तो पहले थीटा ये था और मैं अब इसको रिप्लेस करके थीटा प्लस डी थीटा, ये डी थीटा है, तो ये यहाँ से उठ के कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। माने जब मैंने थीटा में डी थीटा चेंज किया, तो इसकी पोजीशन यहाँ से यहाँ पे आ गई। तो ये कितना है, ये कितना है, कौन बताएगा? देखो ये एक आर्क है, क्या है, एक आर्क है। तो आर्क कितना होता है? रेडियस इंटू एंगल, मैथमेटिक्स का फॉर्मूला होता है ना ये आर्क। आर्क होती है चाप, रेडियस त्रिज्या, एंगल कोण, चाप बटा त्रिज्या बराबर कोण, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। तो आर्क है, तो रेडियस कितनी आर, और एंगल कितना है डी थीटा। तो ये कितना चेंज आया, आर डी थीटा। इसका मतलब अगर मैंने थीटा कैप की डायरेक्शन में चेंज किया, तो डी थीटा चेंज नहीं आ रहा, कितना चेंज आ रहा है, आर डी थीटा चेंज आ रहा है। अरे यहाँ था, यहाँ आ गया, तो ये तो चेंज हुआ यहाँ से यहाँ तक, और डी थीटा तो ये है, तो ये कितना है, रेडियस इंटू एंगल आर डी थीटा। आ गया समझ में? ठीक है, अब इसमें भी चेंज नहीं करते हैं अपन, तो क्या चेंज करते हैं,
फाइव में चेंज करते हैं, तो ये कितना था अपना आर साइन थीटा था ना प्रोजेक्शन, ये आर साइन थीटा प्रोजेक्शन इसके बराबर होता है। तो अगर आपसे फाइव में क्या चेंज करता हूँ, डी फाइव चेंज करता हूँ, तो ये पॉइंट यहाँ से कहाँ चला जाएगा, यहाँ आ जाएगा, तो ये चेंज आएगा ये वाला, तो ये वाला चेंज भी आप कैसे निकाल सकते हो, ये आर्क है रेडियस इंटू एंगल, तो रेडियस कितनी इस बार आर साइन थीटा, एंगल कितना डी फाइव, तो कितना हो गया ये आर साइन थीटा डी फाइव। तो अगर आप फाइव में चेंज कर रहे हो तो ये चेंज आ रहा है, थीटा में चेंज कर रहे हो तो ये चेंज आ रहा है, आर में चेंज कर रहे हो तो डी आर चेंज आ रहा है, क्लियर है। तो प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैप। आप देखो आपको सिर्फ और सिर्फ बस ये निकालना ही आना चाहिए, ये याद कर लो, बाकी सब मैं आपको इसी से बनाना सिखा दूंगा, आप इसी से बनाना सिखा दूंगा, कोऑर्डिनेट प्लेन का जो सरफेस एलिमेंट है वो भी इसी से बनाऊंगा, बी वन बी टू बी थ्री सब इसी से निकालूंगा, सब इसी से करना सिखा दूंगा, बस ये याद कर लो आप। और ये याद नहीं भी होता तो निकालना सीख लो, एक सिंगल सा फॉर्मूला तो यूज होता है रेडियस इनटू एंगल, तो अगर ये याद है तो आगे की सारी चीज़ें मैं याद करवा दूंगा आपको, निकालना भी सिखा दूंगा और डायरेक्ट भी याद करवा दूंगा। तो देखो ये हो गया इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट, तो अपन इसके बाद किसकी बात करते हैं, सरफेस एलिमेंट की। तो देखो जब अपना कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात कर रहे थे तो एक्स वाई प्लेन था तो उसमें जेड फिक्स था, एक्स वाई प्लेन में जेड फिक्स रहता है और जो फिक्स रहता है उसकी डायरेक्शन आ जाती है क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर होता है ऐसे ही। तो यहाँ पे एक बार आर फिक्स रहेगा, एक बार थीटा फिक्स रहेगा, एक बार फाई फिक्स रहेगा, तो तीन अलग अलग प्लेन हो गए, जो फिक्स रहता है उसकी डायरेक्शन आती है। जैसे एक्स वाई प्लेन में कहीं पर भी जेड की वैल्यू बदलेगी क्या, नहीं बदलती है, सिर्फ एक्स और वाई बदलता है। वाई जेड प्लेन में क्या एक्स की वैल्यू बदलती है क्या, नहीं बदलती है, तो जो फिक्स रहता है उसकी डायरेक्शन। तो अगर आप आर प्लेन की बात करते हो तो आर प्लेन का मतलब जब आर फिक्स है, आर फिक्स है मतलब डी एस आर वेक्टर, तो जो फिक्स है उसके अलावा जो पार्ट उनको मल्टीप्लाई करो तो आर डी थीटा और आर साइन थीटा, तो कितना हो गया आर स्क्वायर साइन थीटा डी फाई देखो अरे इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई कर लो आ गया, और जो फिक्स था उसकी डायरेक्शन, ये हो गया डायरेक्ट याद करने का तरीका। वैसे होता क्या है, साइक्लिक चलता है, इसका इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट करवाया जाएगा, तो क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो इसका मैग्नीट्यूड थीटा क्रॉस फाई क्या जाएगा आर कैप, जैसे जे क्रॉस के क्या आता है आई, ऐसे थीटा क्रॉस फाई क्या जाएगा आर कैप, क्लियर है। तो आर प्लेन कौन सा होगा, किस स्फीयर बना, जो स्फीयर के आउटर जो कर्वेचर है उसके हर एक पॉइंट के लिए आर क्या होगा, बराबर होगा ना। अरे मैं यहाँ पे किस स्फीयर इमेजिन करूँ, तो जो स्फीयर की सरफेस है उसके सरफेस के हर एक पॉइंट के लिए आर बराबर रहेगा, आर फिक्स रहेगा, तो जो आउटर सरफेस ये क्या बताती है, आर प्लेन को बताती है, किसको बताती है आर प्लेन को बताती है, हो गया। ऐसे थीटा प्लेन का मतलब थीटा जब फिक्स रहेगा तो इसको बोलेंगे डी एस थीटा वेक्टर, तो ये फिक्स है तो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो डी आर और आर साइन थीटा डी फाई, तो कितना हो गया ये आर साइन थीटा डी आर डी फाई, जो फिक्स है उसकी डायरेक्शन थीटा कैप। एंड सिमिलरली अगर फाई फिक्स है तो डी एस फाई वेक्टर इक्वल्स टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो आर डी आर डी थीटा डायरेक्शन फाई कैप, तो तीनों सरफेस एलिमेंट आपके पास आ गए हैं, आ गए ना। अब आर प्लेन जो था, जो आर जिसमें फिक्स था उसको आर प्लेन बोलेंगे, जिसमें थीटा फिक्स है उसको थीटा प्लेन बोलेंगे, और जिसमें फाई फिक्स है उसको फाई प्लेन बोलेंगे। तो आर प्लेन को तो अपन ने इजीली क्या कर लिया, इमेजिन कर लिया आउटर सरफेस, थीटा प्लेन को किस तरीके से इमेजिन करोगे और फाई प्लेन को किस तरीके से इमेजिन करोगे, मतलब थीटा प्लेन में थीटा फिक्स है इसका मतलब क्या है, क्या वैल्यू है, इसका मतलब क्या है, जैसे एक बॉल है तो अगर उसके अंदर से बिल्कुल एक पतली सी, जैसे ऑरेंज होता है ना अपना संतरा, संतरे की एक एक कली कली बोलते हैं है ना, तो जो एक एक कली है उससे कुछ ना कुछ विड्थ है, अगर मैं उसकी उसकी जो मोटाई है उसको बिल्कुल चपटा मान लूँ, बिल्कुल चिपका हुआ, तो वो जो प्लेन है जो कली है वो किसको बताएगी, थीटा इक्वल टू फिक्स प्लेन को बताएगी। या फिर ऐसे समझ लो जो आपने कली काट के निकाली, जो कली काट के निकाली उस कली के लिए जो दो सरफेस आएंगी, कुछ कैसे डिजाइन आप इमेजिन कर लो यार, बोर्ड पे नहीं बना सकता मैं ना,
उसके लिए दोस्त ऐसा कुछ होगा ना, कली ऐसे होती है और यूं, है ना, ठीक है। या फिर मैं कल ट्राई करता हूँ, ऑरेंज शायद इस टाइम मिलेगा, तो मिलेगा तो नहीं, सर्दियों में आते हैं ऑरेंज, है ना। तो समझ लो आप, थीटा फिक्स का मतलब, थीटा प्लेन का मतलब उसमें थीटा फिक्स रहेगा, फाई प्लेन का मतलब उसके अंदर फाई की वैल्यू फिक्स रहेगी। क्लियर है? मैं कोशिश करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में ऐसा कुछ मैं बॉल वगैरह या लेके या कुछ फ्रूट लेके आपको समझा सकूँ। क्लियर है? चलो फिलहाल अपन इसको यहीं तक रख देते हैं, सरफेस एलिमेंट तक। अच्छा, वॉल्यूम एलिमेंट क्या करना है आपको? जब भी वॉल्यूम एलिमेंट निकालो, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अरे तीनों डायरेक्शन का एलिमेंट है ये, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? वॉल्यूम आ जाएगा। तो वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया? वॉल्यूम एलिमेंट क्या हो गया अपना? डी वी या फिर डी टो आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई। आर स्क्वायर साइन थीटा डी आर डी थीटा डी फाई, ये याद रखने हैं। वेक्टर अलजेब्रा की कोऑर्डिनेट सिस्टम की जो क्लास है, ये रट लो, समझ लो, रट लो, जो भी करना है कर लो, इसके बिना एडी नहीं चलेगी, फिर कह रहा हूँ मैं, है ना। ज़्यादा धुरंधर बनने की जरूरत नहीं है, क्या मेरे तो सब आता है, आता है तो ठीक है भैया ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे तो मतलब आपको ये याद रखना है, तो ही अपनी इलेक्ट्रोडाइनमिक्स जो है चल पाएगी, वरना इलेक्ट्रोडाइनमिक्स आपको बिल्कुल भी पल्ले नहीं पड़ेगी। ठीक है, वॉल्यूम एलिमेंट हो गए। अब इसके लिए अपन बेसिस वेक्टर निकालें, बेसिस वेक्टर और स्केल फैक्टर। तो मैं एक एक निकाल के बता देता हूँ आपको, बाकी जो है आप खुद निकाल के देखना। ठीक है, तो मैं ये मिटा लेता हूँ अब और यहाँ पे कैलकुलेट कर लेता हूँ। और आप देखो, एक फिक्स शेड्यूल बना लो, शेड्यूल बना के पढ़ाई करोगे ज़्यादा बेटर रहेगा। डिसिप्लिन इज नेसेसरी। तो कहाँ थे अपन? बेसिस वेक्टर के ऊपर। तो जो बी वन वैक्टर है, अच्छा फॉर्मूला लिख देता हूँ पहले। तो मैं बी आई वैक्टर क्या होता है? डेल्टा आर वैक्टर अपॉन डेल्टा यू आई। अच्छा ध्यान रखना आप, ये डी आर अलग है, ये एक मैग्नीट्यूड है सिर्फ, ये वैक्टर वैक्टर क्वांटिटी है, ये ध्यान रखना है ना। हाँ ठीक है। तो अगर आप बी वन मतलब बी आर, क्योंकि फर्स्ट इसमें आर है ना, बी आर वेक्टर, तो डेल आर वेक्टर, आर वेक्टर कितना था? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इससे ट्रांसफॉर्मेशन निकल के आएंगे, मतलब आई जे के कैप का आर कैप के साथ क्या रिलेशन है वो आ जाएगा। देखो अगर आप इसी के लिए करोगे, यहाँ पे मैं जैसे बी आर का स्फेरिकल में ही करते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आर वेक्टर को मैं क्या लिख सकता हूँ? आर इन टू आर कैप, ये इसका मैग्नीट्यूड और ये इसकी डायरेक्शन, और ये हो गया डेल आर, क्योंकि यू वन कितना होगा? आर होगा, तो कितना आ गया? आर कैप, क्यों डेल आर अपॉन डेल आर कितना हो जाएगा? वन, तो आर कैप बच जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं इसका कार्टेशियन जो रिलेशन है इनके साथ रिजल्ट लेके आऊँ कुछ। तो आप क्या करो, आर वेक्टर को ये लिख लिया और डेल्टा यू आई कितना है? डेल्टा आर, स्फेरिकल में कर रहे हैं ना अपन। ठीक है, अब आपका काम क्या होता है कि जो पोजीशन वेक्टर है ना, आप जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पढ़ रहे हो उसके टर्म्स में वैल्यू लिख लो। तो देखो बी आर वेक्टर क्या है अपना? आ गया आर कैप, यहाँ से कैलकुलेट कर लिए ना, ये स्फेरिकल में कैलकुलेट किया था और ये स्फेरिकल का कार्टेशियन के साथ रिलेशन कैलकुलेट कर रहे हैं, तो कितना आएगा? देखो डेल अपॉन डेल आर, एक्स कितना था? एक्स मैंने मिटा दिया लेकिन मुझे याद है, आर साइन थीटा कोस फाई, यही आया था ना। आई कैप प्लस वाई कितना था? आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस जेड कितना था? आर कोस थीटा के कैप। आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव कर लो तो क्या आएगा आपका? साइन थीटा, ये बी आर वैक्टर है भैया ना, साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस कोस थीटा के कैप, और ये वैल्यू किसके बराबर है? आर कैप के बराबर है। तो देखो सिर्फ कोऑर्डिनेट का रिलेशन ही नहीं आया, बल्कि जो यूनिट वेक्टर हैं उनके बीच में भी एक रिलेशन आ गया, कि
कि रेडियल जो वेक्टर था आर कैप, उसकी डायरेक्शन का कार्टेशियन की डायरेक्शन के साथ क्या रिलेशन है। मतलब सिर्फ कोऑर्डिनेट का रिलेशन नहीं आया था अपना, कोऑर्डिनेट का रिलेशन निकलना था ना अपने आप एक्स वाई जेड का और आर थीटा फाई का, वो ही नहीं है यार। आई जे के कैप का आर कैप के साथ क्या रिलेशन है वो भी आ गया है। तो मैं इसको इक्वेशन फर्स्ट दे देता हूँ, ऐसे ही अपन आगे करते हैं, दूसरा निकालते हैं फिर तीसरा निकालते हैं, तीनों ही बता देता हूँ क्योंकि इससे एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स बन जाएगी, वो आपको याद होनी चाहिए। उससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है गेट और जेम के अंदर। नेट के अंदर भी अब एंटी है जब से एग्जाम लेने लगा है, छोटे क्वेश्चन ज़्यादा पूछने लग गया है, तो नेट के अंदर भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्ट। लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं बनेगा तो जब अपन ईटी पढ़ेंगे तब तो वो काम आएगा ही आएगा। तो दूसरा निकालते हैं अपन बी थीटा के लिए, बी थीटा वेक्टर इस बार कितना आएगा, डेल्टा आर वेक्टर अपॉन डेल्टा थीटा, डेल अपॉन डेल्टा थीटा। आर वेक्टर कितना होगा, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, और इनकी जगह ये वैल्यू रखोगे तो मैं डायरेक्ट रख लेता हूँ आर साइन थीटा कॉस फाई जे आई कैप, सॉरी प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कॉस थीटा के कैप। तो ये बी थीटा वेक्टर कितना आ जाएगा, यहाँ से डेल डेरिवेटिव कर देता हूँ मैं, थीटा के रेस्पेक्ट में करना है पार्शियल डेरिवेटिव, तो आर का कुछ नहीं होगा कॉस फाई का कुछ नहीं होगा, तो जगह आर साइन थीटा कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस आर कॉस थीटा साइन फाई जे कैप प्लस, सॉरी माइनस, क्योंकि कोस थीटा को हो जाएगा माइनस साइन थीटा, तो माइनस आर साइन थीटा के कैप। ये बी थीटा वेक्टर आ गया, लेकिन बी थीटा वेक्टर क्या होगा, स्केल फैक्टर इंटू थीटा कैप। तो अपने को रिलेशन किस में चाहिए, जैसे आर कैप और यूनिट वेक्टर में रिलेशन चाहिए, तो मुझे ना थीटा कैप की वैल्यू चाहिए। तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं, इस रिलेशन से और इस रिलेशन से। एस थीटा कितना होगा, बी थीटा का वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो ये आपके पास बी थीटा वेक्टर है, मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, आता है ना, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, तो आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। तो पहले दो टर्म के अंदर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई कितना हो जाएगा, वन। तो यहाँ से एच थीटा इक्वल टू कितना आ गया, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई बचेगा यहाँ साइन स्क्वायर फाई जुड़ के वन हो जाएंगे प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। आर स्क्वायर कॉमन लोगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर वन हो जाएगा और आर स्क्वायर का अंडर रूट आर हो जाएगा। तो यहाँ से आपको क्या पता चल गया, एच थीटा पता चल गया, और ये रहा आपका बी थीटा। बी थीटा अपॉन बी थीटा वेक्टर अपॉन एस थीटा कितना हो जाएगा था, थीटा कैप। एस थीटा कितना है, आर। तो मतलब इस इक्वेशन में मैं आर से डिवाइड कर दूं तो क्या आ जाएगा, थीटा कैप। तो थीटा कैप कितना आ गया बताओ, कॉस थीटा कॉस फाई आई कैप प्लस। और अगर आप राजस्थान यूनिवर्सिटी में बीएससी सेकेंड ईयर के अंदर हैं तो ये भाई एग्जाम में भी आता है अपने, है ना, एग्जाम के अंदर ही यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग, कॉस थीटा साइन फाई जे कैप एंड माइनस साइन थीटा के कैप। तो देखो ये क्या आ गया, थीटा कैप का किसके साथ रिलेशन आ गया, आई कैप जे कैप के कैप के साथ रिलेशन आ गया। ये हो गई इक्वेशन नंबर टू। ऐसे इक्वेशन नंबर थ्री निकालनी है, मतलब फाई कैप का रिलेशन निकालना है आई जे के साथ। तो मैं ये मिटा रहा हूँ, तो देखो बी फाई वेक्टर, बी फाई वेक्टर क्या होगा, डेल अपॉन डेल्टा फाई, फाई के रेस्पेक्ट में करोगे, आर वेक्टर की जगह मैं रख लेता हूँ अब आर साइन थीटा कोस फाई आई कैप प्लस आर साइन थीटा साइन फाई जे कैप प्लस आर कोस थीटा के कैप। फाई के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव करोगे आर एज इट इज साइन थीटा एज इट इज कोस फाई का माइनस साइन फाई आई कैप प्लस आर एज इट इज साइन थीटा एज इट इज साइन फाई का कोस फाई जे कैप,
और इसमें फाइ की टर्म ही नहीं है, तो जीरो आ जाएगा, जीरो डॉट के कैप, क्लियर है? ठीक है, तो बी फाइ किसके बराबर होता है, एच फाइ और फाइ कैप के, एच फाइ इसका मैग्नीट्यूड और फाइ इसकी डायरेक्शन। अपने को तो फाइ कैप चाहिए, तो पहले एच फाइ निकालेंगे, तो एच फाइ क्या हो जाएगा, एच फाइ हो जाएगा अपना बी फाइ का मैग्नीट्यूड, ठीक है? तो इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये तो जीरो ही है ना, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई। तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लोगे तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई वन हो जाएगा, तो आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट लोगे तो आर साइन थीटा, मतलब एच फाई कितना आ गया, आर साइन थीटा। मतलब इसमें फाई कैप कब बनेगा इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन से जब मैं आर साइन थीटा का भाग लगा दूंगा, अरे एच फाई, फाई कैप क्या हो जाएगा, एच फाई से डिवाइड कर दूं, तो फाई कैप कितना हो गया, आर साइन थीटा चला जाएगा, तो माइनस साइन फाई आई कैप प्लस कॉस फाई जे कैप प्लस जीरो डॉट के कैप, ये हो गई थर्ड इक्वेशन। तो अपने पास तीनों यूनिट वेक्टर जो थे स्फेरिकल के आर थीटा फाई, उनका किसके साथ कनेक्शन आ गया, आई कैप जे कैप के कैप के साथ कनेक्शन आ गया, और इनको आप अपने एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स में रिप्रेजेंट कर देंगे, और आपको वो मैट्रिक्स डायरेक्ट याद रखनी है, डायरेक्ट याद रखने का तरीका भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे जो एच आर है, एच आर जो था वो एच वन था, एच थीटा क्या है, एच टू है, एच फाई क्या है, एच थ्री है, ठीक है? अच्छा, अब इनकी भी मैं वैल्यू आपको डायरेक्ट निकालना सिखाता हूँ। देखो एच आर कितना आया था आपका, एच आर वन आया था, करके देख लो, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करोगे तो ये वन आएगा। तो आपका एच आर जो था वो वन आया था, और एच आर क्या है, एच वन, एच टू कितना था, एच थीटा, ये आपका आर आया है, चेक कर लो, और एच थ्री मतलब जो एच फाई है ये आपका आर साइन थीटा आया है। तो ये तो आपने कैलकुलेशन से निकाला है, अगर आपको स्केल फैक्टर डायरेक्ट याद करने हैं तो मैंने क्या कहा था, सिर्फ और सिर्फ आप क्या याद करो, सिर्फ और सिर्फ क्या याद करो, इनफाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट याद करो, ठीक है? तो देखो मैं मिटाता हूँ और वो इक्वेशन लिखता हूँ, क्योंकि आपको याद नहीं होगी, नहीं होगी ना, तो मैं याद करवा देता हूँ। वो थी भैया डी आई वैक्टर और डी आर वैक्टर इक्वल टू डी आर आर कैफ प्लस आर डी थीटा थीटा कैफ प्लस आर साइन थीटा डी फाई फाई कैफ। तो याद करने का तरीका देखो, जो चेंज है उसको छोड़ दो और यूनिट वेक्टर को छोड़ दो, उसके अलावा जो बच गया इसके साथ जो है वो एच वन है, जो इसके साथ है वो एच टू है, और जो इसके साथ है वो एच थ्री है। तो देखो डी आर और आर कैप छोड़ दूँ तो वन ही तो बचा, तो एच वन हो गया वन, ऐसे चेंज और यूनिट वेक्टर छोड़ दिया तो कितना बच गया आर, ऐसे डी फाई और फाई छोड़ दिया तो आर साइन थीटा। तो ये आपका डायरेक्ट तरीका हो गया स्केल फैक्टर निकालने का, एच वन एच टू एच थ्री या फिर एच आर एच थीटा एच फाई निकालने का डायरेक्ट मेथड हो गया। बस आपको ये याद होना चाहिए, आपको इतनी कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये कैलकुलेशन क्यों की मैंने, क्योंकि मुझे आपको समझाना था, क्लियर है? लेकिन अब मैं आगे जो सिलेंड्रिकल वाला है उसमें करूँगा, तो कहोगे तो मैं डायरेक्ट कर दूँगा, अगर आप कहोगे तो मैं उसमें भी इसी तरीके से समझा दूँगा, ठीक है? अच्छा, अब अपन जो इक्वेशन फर्स्ट सेकंड थर्ड है इनको अपन एक मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको अपन बोलेंगे ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। ट्रांसफॉर्मेशन क्यों बोलेंगे, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ही क्या है, जो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस को दूसरे कोऑर्डिनेट, एक कोऑर्डिनेट जो एक्सिस के जो डेटा है उसको दूसरे में ट्रांसफॉर्म करें, तो ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स कहेंगे अपन उसको। तो एक तरफ अपना क्या आ गया, आर कैप थीटा कैप फाई कैप इक्वल टू, यहाँ पे आएगी ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स, और यहाँ पे आ जाएगा आई कैप जे कैप के कैप। तो मैं आपको ये लिखना सिखाता हूँ ना, मैट्रिक्स आर कैप की इक्वेशन पे जाओ, ये री, इसमें आई कैप के साथ जो है वो यहाँ आएगा, कितना है साइन थीटा कोस फाई, जे कैप के साथ है वो यहाँ आ जाएगा साइन थीटा साइन फाई, और यहाँ जो जेड कैप के साथ है वो आ जाएगा यहाँ। अब थीटा कैप की इक्वेशन में आओ,
आई कैप वाला यहाँ, जे कैप वाला यहाँ, के कैप वाला यहाँ, तो कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई और माइनस साइन थीटा। ऐसे फाई कैप में देखो आई कैप के साथ कितना है, माइनस साइन फाई, यहाँ कॉस फाई और यहाँ पे जीरो। तो आगे एक ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स आ गई, ठीक है। अच्छा ये मैट्रिक्स इन तीनों को कंबाइंडली रिप्रेजेंट कर रही है, इनको सोल्व करोगे तो ये तीन इक्वेशन ही आ जाएंगी। मैट्रिक्स गुणा करनी आती है ना मल्टीप्लाई, इसके रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई कैप के साथ, ये जी कैप के साथ, ये के कैप के साथ बराबर आर कैप, पहली इक्वेशन आ गई। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आई कैप के साथ, ये जी कैप के साथ, ये के कैप के साथ, थीटा कैप के बराबर आ जाएंगे, ऐसे फाई। तो तीन इक्वेशन को मैट्रिक्स रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये भाई, इसको क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स। तो आपको ये याद रखनी है, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन है तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन कैसे निकालेंगे, तो ये जो मैट्रिक्स आपके ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स है ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है। कैसी मैट्रिक्स है, ऑर्थोगोनल है ये, और मैट्रिक्स जब पढ़ाएंगे तो बताएंगे ऑर्थोगोनल की और भी प्रॉपर्टी बताएंगे। यहाँ पे इतना समझ लो, जो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज उसके इनवर्स के बराबर होता है। इनवर्स निकालना सीखा होगा मैट्रिक्स का 12th क्लास के अंदर। ट्रांसपोज क्या होता है, रो को कॉलम बना दो, कॉलम को रो बना दो। रो मतलब ये रो है, ये कॉलम है। फर्स्ट रो को फर्स्ट रो कॉलम बना दो, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दो, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दो, तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। और इनवर्स आपको निकालना आता ही है, तो ऑर्थोगोनल के लिए ट्रांसपोज ही क्या होता है, इनवर्स होता है। तो इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन अगर मैं इसका करता हूँ, मतलब ये क्या बता रहा है, आर थीटा फाई का इनके टर्म्स में रिलेशन बता रहा है। अगर मेरे को उल्टा करना है, मतलब आई कैप जे कैप के कैप की वैल्यू निकालनी है आर थीटा फाई के टर्म्स में, तो ये मैट्रिक्स इधर भेजनी पड़ेगी, मतलब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स करना पड़ेगा। तो इन्वर्स काफ़ी टिपिकल हो जाएगा। अब अपने को पता है कि मैट्रिक्स ऑर्थोगोनल है तो अपन इन्वर्स करने के लिए बस ट्रांसपोज कर दो, क्योंकि ट्रांसपोज और इन्वर्स बराबर होते हैं ऑर्थोगोनल के लिए। तो क्या करना है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दो, साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा साइन फाई एंड कॉस थीटा। ये कितना आ जाएगा, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा साइन फाई एंड माइनस साइन थीटा। फिर माइनस साइन फाई कॉस फाई एंड जीरो, और यहाँ क्या आ जाएंगे, आर कैप थीटा कैप और फाई कैप। तो ये हो गया अपना इनवर्स ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स हो गई है। यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप बता सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको डायरेक्ट याद करने का तरीका बताता हूँ। जैसे जब मैं स्टूडेंट था तो मैं कैसे याद करता था, तो आपको इसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें याद रखनी है, एक तो ये और एक जो अपन ने रिलेशन निकाले थे शुरुआत में, एक्स इक्वल टू कितना निकाला था, आर साइन थीटा कोस फाई, वाई इक्वल टू कितना निकाला था, आर साइन थीटा साइन फाई, और जेड इक्वल टू कितना निकाला था, आर कोस थीटा। तो ये और याद हो गए तो ये मैट्रिक्स याद हो जाएगी। कैसे, देखो इसमें देखो आर साइन थीटा साइन फाई, फिर वाई आर साइन थीटा साइन फाई, सॉरी आर साइन थीटा कोस फाई, आर साइन थीटा साइन फाई एंड आर कोस थीटा। तो जो पहला है वो आर कैप है, तो इन तीनों का आर के रेस्पेक्ट में पार्शियल डेरिवेटिव करो और जो आता है वो यहाँ रखते जाओ। तो देखो इसका किया तो आर का कर दोगे तो वन हो जाएगा, ये दोनों एज इट इज साइन थीटा कोस फाई, वाई का करोगे साइन थीटा साइन फाई और आर कोस थीटा का करोगे कोस थीटा। क्लियर है, ठीक है। अब आपका आर का काम निपट गया है तो अब इसमें से क्या हटा दो, आर हटा दो। ये ट्रिक है, ऐसे मतलब ऐसे नहीं कि एक्स उसके बराबर हो जाएगा, आर को तो छोड़ दो, छोड़ दिया। अब जो बच गया उसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, मतलब जो आपका यहाँ आ गया ना उसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो। तो देखो साइन थीटा का कोस थीटा फाई के टर्म में एज इट इज, साइन थीटा का कोस थीटा फाई के टर्म में एज इट इज, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा। क्लियर है। तो जैसे अपना आर का काम निपट गया, थीटा का निपट गया, तब जो थीटा के टर्म्स हैं वो यूज नहीं करनी है,
नहीं करनी है, सिर्फ फाई की करनी है। तो कोस फाई का माइनस साइन फाई, साइन फाई का कोस फाई। अब थी फाई की कोई टर्म ही नहीं है तो जीरो। अगेन डायरेक्ट तरीका, आपको ये याद रखना है, सबसे पहले आर हटा के ये टर्म एज इट इज लिख दो यार, ये लो। उसके बाद इस पहली रो का, पहली रो आ गई, पहली आ गई तो बाकी दो भी आ जाएंगी। कैसे? इसका थीटा के रेस्पेक्ट में कर दो, तो साइन थीटा का कोस थीटा, कोस फाई, कोस थीटा साइन फाई माइनस साइन थीटा। अब आर और थीटा दो निपट चुके हैं, तो थीटा और आर के टर्म्स नहीं लेनी, जो बच गए उनका करो। तो कोस फाई का माइनस साइन फाई, फाई के रेस्पेक्ट में साइन फाई का कोस फाई। अब यहाँ ना फाई की कोई टर्म ही नहीं है, इसका मतलब जीरो। क्लियर है? तो आपके डायरेक्ट तरीका आ गया याद करने का। तो ये अपना हो गया क्या, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम खत्म। अब अपन बात करते हैं किसकी, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम की, ओ सॉरी सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की। ठीक है, और कोऑर्डिनेट सिस्टम चाहे आपको ये लेक्चर दो बार देखना पड़े, भाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जरूर पढ़ लेना। इलेक्ट्रोडायनेमिक समझ में नहीं आएगी, मैं बार बार एक ही बात कह रहा हूँ, क्योंकि फिर मेरे को उस क्लास में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा अगर आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं आएगा तो। और टाइम लगने के बाद मुझे पता भी कैसे चलेगा आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है ना। लाइव क्लास की पूरी कोशिश कर रहे हैं हम, लेकिन जो हमारी लोकेशन है यहाँ पे ज़्यादातर जो सर्विस प्रोवाइडर हैं वो ब्रॉडबैंड कनेक्शन प्रोवाइड ही नहीं करवाते हैं, तो ढूंढ रहे हैं, पता कर रहे हैं और क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं। तो लाइव क्लास अगर एक बार स्टार्ट हो जाती है तो आप वीडियो के टाइम पे, लेक्चर के टाइम पे कमेंट करके उसी टाइम सवाल पूछ सकते हो, तो इससे टाइम बचेगा तुम्हारा भी और मेरा भी। चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो ये भैया वही एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस, एंड दिस इज द पॉइंट, ऑब्जर्वेशन पॉइंट पी। इसके अंदर अपन यूज़ करते हैं, देखो अलग अलग बुक्स का अलग अलग है, या तो रो फाई जेड यूज़ कर लेते हैं, रो फाई और जेड, या कुछ बुक्स के अंदर रो की जगह एस यूज़ कर लेते हैं, एस फाई जेड। अच्छा, इसकी वजह क्या है? जैसे ग्रिफिथ में आई थिंक एस यूज किया हुआ है, क्यों किया हुआ है? क्योंकि रो को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, रो से अपन रिप्रेजेंट करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को, तो जस्ट टू अवॉइड कन्फ्यूजन। तो मैं यहाँ पे एस से रिप्रेजेंट कर लूँ चाहे रो से रिप्रेजेंट कर लूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। फ़र्क ये है कि ये है क्या, जैसे भाई क्या मेरा नाम बदल देने से मेरे कैरेक्टरिस्टिक बदलेंगे? नहीं बदलेंगे, ठीक है ना। अगर मैं आम को पपीता बोलने लग जाऊँ तो क्या उसका स्वाद बदल जाएगा? क्या वो जैसा दिख रहा है वो दिखना बंद हो जाएगा? नहीं। तो रिप्रेजेंटेशन से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, मेन चीज़ क्या है, वो है क्या, आपको ये पता होना चाहिए कि ये है क्या, किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास दो हैं, तीन कोऑर्डिनेट हो गए, रो फाई जेड। तो U1, U2, U3, जनरल नोटेशन यही होता है, ये हो गया रो, ये हो गया फाई और ये हो गया जेड। और E1, E2, E3 कैप क्या हो जाएंगे, यूनिट वेक्टर, रो कैप, फाई कैप, जेड कैप, या फिर रो कैप की जगह एस कैप और रो की जगह एस भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रो या एस एक ही बात है। तो जो रो है ये है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, कहाँ से, जेड एक्सिस से। तो मैं एस यूज़ कर लेता हूँ, रो यूज़ नहीं कर रहा हूँ मैं, ना एस। ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जर्वेशन पॉइंट पॉइंट फ्रॉम जेड एक्सिस। ठीक है, अच्छा ये हो गया एस। फाई क्या है, जेड एक्सिस। अब ये जेड एक्सिस का हो गया एस। अच्छा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही है, तो एक्स वाई प्लेन में जो प्रोजेक्शन होगा वो कितना होगा, एस के बराबर ही होगा ना। अरे परपेंडिकुलर ही क्या होता है, प्रोजेक्शन होता है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो है। ये तो आर था, तो अपने को पहले देखो आर साइन थीटा किया था और फिर वो प्रोजेक्शन आया था। अब तो एस एस को ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस को ही कोऑर्डिनेट ले रहे हैं, तो प्रोजेक्शन भी कितना है, एस ही है। तो जो प्रोजेक्शन है ये जो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ, ये है फाई, और जो एक्स वाई प्लेन के साथ जो हाइट है ये है जेड। मतलब जेड तो सेम है
जो कार्टेशियन में होता है ना वही मीनिंग है यहाँ का जेड पे। तो फाई क्या है, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड प्रोजेक्शन ऑन एक्स वाई प्लेन। जो एक्स वाई प्लेन है उस पे जो प्रोजेक्शन है, ये एक्स वाई, ये एक्स डायरेक्शन है, तो एक्स वाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई, तो ये एक्स वाई प्लेन है। ये कोई भी पॉइंट था तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस एस है, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस जितनी है उतना ही प्रोजेक्शन होगा। तो जो प्रोजेक्शन का है एक्स वाई प्लेन में, उसका एक्स एक्सिस के साथ एंगल है। जेड क्या है, हाइट है, जो नॉर्मल कार्टेशियन में होता है वही है, हाइट फ्रॉम एक्स वाई प्लेन। जेड क्या होता है, एक्स वाई प्लेन से हाइट को ही तो बताता है। ठीक है, ठीक है। तो अब इनके अंदर भी देखो लिमिट्स, फाई की कितनी हो सकती है, 0 से 2 पाई, क्योंकि एक पॉइंट है, पूरा सिलेंडर एक सर्कल बन गया, 2 पाई घूम सकता है। उस सर्कल को मैं जेड हाइट तक उठा दूं तो ये सर्कल क्या बना देगा, सिलेंडर बना देगा। अरे एक पॉइंट लिया, ये एक्स एक्सिस है, मान लो ये यहाँ एक पॉइंट है, 0 डिग्री है फाई, पूरा घुमाया सर्कल आ गया, सर्कल को जेड हाइट तक ऊपर उठा ले गया, क्या बन गया, सिलेंडर बन गया। तो 0 to 5, रो या एस नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं, तो कहाँ से कहाँ तक, 0 to इन्फिनिटी, कितनी भी दूर जा सकते हो। जेड माइनस जेड से प्लस जेड, मतलब माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, ये इसकी लिमिट्स हो गई, मैक्सिमम जो लिमिट्स हैं। क्लियर है, ठीक है। अगर एक पर्टिकुलर हाइट का है तो उसी उतनी हाइट की लिमिट लगा लोगे, ये 0 से 2 पाई हो गया। ठीक है, ये हो गया। अब अपन निकालते हैं इनके बीच का कनेक्शन, कि एक्स वाई जेड का रो फाई जेड से या एस फाई जेड से क्या कनेक्शन है। ये है एस, ये है एस, ये एंगल है फाई। तो देखो जेड तो जेड के बराबर ही है, कार्टेशियन का जेड और सिलेंड्रिकल का जेड दोनों सेम ही है। ठीक है, एस आया तो ये एस है, तो एक्स के डायरेक्शन में कितना कंपोनेंट आएगा, एस कोस फाई, और वाई के डायरेक्शन में एस साइन फाई, जिसके साथ एंगल होता है उसके साथ कोस। तो एक्स कितना आया, एस कोस फाई या फिर रो कोस फाई, और वाई कितना आया, एस साइन फाई या फिर रो साइन फाई आ गया। ये तो क्या आ गया, जब आपको सिलेंड्रिकल दिए गए हैं और कार्टेशियन में जाना है, उल्टा करना है, मतलब इनसे ये बनाने हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एस स्क्वायर के बराबर आएगा, करके देख लो। जेड एक्स सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर नहीं, सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस वन, करके देखो। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एस स्क्वायर कोस स्क्वायर फाई प्लस एस स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, एस स्क्वायर कॉमन तो कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एक एक इक्वेशन, 2 3, और ये इक्वेशन हो गई 4। ऐसे ही जेड तो जेड के बराबर है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है इसमें। तो फाई और चाहिए, तो इक्वेशन 3 में डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, इक्वेशन 3 में डिवाइड कर दो इक्वेशन 2 से, तो क्या आ जाएगा, वाई बाई एक्स, और यहाँ पे कितना जाएगा, टेन फाई। तो टेन फाई कितना हो गया, वाई बाई एक्स, अपने को फाई चाहिए, तो कितना आ जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। क्लियर है, ठीक है। तो आपका अगर एस फाई जेड दिया है तो एक्स वाई जेड निकाल सकते हो, और अगर एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो एस फाई जेड निकाल सकते हो। क्लियर है, दोनों का इंटर रिलेशन आ चुके हैं जैसे स्फेरिकल में आए थे। तो जैसे कि मैंने कहा था, एक तो ये याद रखना है आपको अगर डायरेक्ट करना है तो, और एक इन्फाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट याद करना है। और इन्फाइनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट अपन पुराने सवाल की तरह ही करेंगे, स्फेरिकल की तरह ही करेंगे। तो आप एक बार दोबारा समझ लो कि आपको टेक्निक समझ में आई या नहीं आई। ठीक है, तो देखो भाई ये पॉइंट है, ये एस है, तो एस के डायरेक्शन में अगर मैं कुछ चेंज करता हूँ तो डी एस, क्या किसी और में कुछ फर्क आया, नहीं आएगा। ये एंगल है फाई, लेकिन अगर मैं, ये कितना है एस, लेकिन फाई में मैं चेंज करता हूँ डी फाई, तो पोजीशन यहाँ से कहाँ चली गई, यहाँ चली गई, आर्क है, तो आर क्या तो है, रेडियस इंटू एंगल, तो एस डी फाई, तो फाई में चेंज कर रहा हूँ तो एस डी फाई।
ऐसे ये जेड था, अगर जेड की डायरेक्शन में कुछ चेंज करता हूँ तो कितना चेंज आएगा, सिर्फ डी जेड चेंज आएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटेसिमल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, डी आई वैक्टर या फिर डी आर वैक्टर इक्वल्स टू। तो देखो मैंने जो नोट्स पढ़ाए थे जेम के बच्चों को, क्योंकि तो उनका लेवल थोड़ा सा कम होता है, वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं आर जो रेडियल डिस्टेंस है और आर वेक्टर से, आर वेक्टर पोजिशन वेक्टर है। तो मैंने उन नोट्स के अंदर कैपिटल आर करवाया हुआ है इसको, है ना, जस्ट टू डिफ्रेंशिएट विद स्मॉल आर। तो कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है अगर आप वो नोट्स डाउनलोड करते हो हमारी वेबसाइट से, तो क्लियर है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, एस के डायरेक्शन में चेंज किया तो डी एस, फाई के डायरेक्शन में चेंज किया तो कितना चेंज आया, एस डी फाई, और जेड के डायरेक्शन में किया तो डी जेड जेड कैप या फिर के कैप, जो भी आप लेना चाहो, तो इसी जी ओवर। ये समझ में आ गया ना, देखो ऐसे तो क्या था वहाँ पे भी, ये एस था, आर निकाली एस डी फाई, तो ये याद रखना है। तो मैं आप क्या छोड़ रहा हूँ ये होमवर्क, एच वन क्या होगा यहाँ पे, एच एस या फिर एच रो, एच टू क्या होगा, एच फाई, और एच थ्री क्या होगा, एच जेड। आप मेरे को इन तीनों की वैल्यू जो है कैलकुलेट करके बताओगे, क्या करके बताओगे, इन तीनों की वैल्यू कैलकुलेट करके बताओगे, और बी एस वैक्टर, बी फाई वैक्टर, बी जेड वैक्टर कैलकुलेट करोगे। ये सब कैलकुलेट करने के बाद रिलेशन जो आता है वो रिलेशन निकालोगे, कौन से रिलेशन, एस कैप फाई कैप और जेड कैप के रिलेशन निकालोगे। ठीक है, और रिलेशन निकालने के बाद ट्रांसफॉर्मेशन मैट्रिक्स लेके आओगे। क्लियर है, तो कर सकते हो क्या या मैं ही बताऊं? ठीक है, अच्छा अब मैं बात करता हूँ सरफेस एलिमेंट की, बात कर लेता हूँ सरफेस एलिमेंट, कितने सरफेस एलिमेंट होंगे, वही तीन, एक बार जब एस फिक्स रहेगा, एक बार जब फाई फिक्स रहेगा, और एक बार जब जेड फिक्स रहेगा। और इसमें इमेजिन करना भी कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। तो जब एस फिक्स है तो एस प्लेन, तो डी एस एस वेक्टर, ये डी एस, ये वाला एस सरफेस एरिया को बता रहा है भैया ना, कन्फ्यूज मत हो जाना, चाहो तो डी ए लिख लो, डी ए वेक्टर, है ना। हाँ कैसे लिखना है, जो फिक्स है उसके अलावा मल्टीप्लाई कर दो, तो एस डी फाई डी जेड, एस डी एस डी फाई, डायरेक्शन एस कैप। ऐसे ही अगर फाई फिक्स है तो फाई प्लेन आएगा, तो डी एस फाई वेक्टर कितना होगा, ये फिक्स है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, डी एस डी जेड और डायरेक्शन फाई कैप। ऐसे जेड जब फिक्स है तो क्या जाएगा, डी एस जेड वेक्टर कितना आ जाएगा, एस डी एस डी फाई, एस डी एस डी फाई, डायरेक्शन जेड कैप, तीनों आ गए। वॉल्यूम एलिमेंट क्या होगा, वॉल्यूम एलिमेंट डी वी, तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, एस डी एस डी फाई डी जे, तो सरफेस एलिमेंट आ गए, वॉल्यूम एलिमेंट आ गए। अब मैं आपको इमेजिन करके बताता हूँ एस प्लेन कौन सा है, तो सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो आउटर लेयर का हर एक पॉइंट है वो जेड एक्सिस से बराबर दूरी पे होता है, बोलो होता है या नहीं होता है, होता है। इसका मतलब जो बाहर की जो कर्वेचर सरफेस है, कर्व सरफेस है, वो क्या हो गई, एस प्लेन हो गई, एस फिक्स रहेगा उसके लिए, या रो प्लेन हो गई। ठीक है, जेड फिक्स, देखो जो सिलेंडर होगा, यहाँ पे एक सिलेंडर बनेगा ऐसे, तो ये जो सिलेंडर है ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। तो इस फ्लैट सरफेस के लिए क्या जेड बदलेगा, नहीं बदलेगा, तो ये जेड प्लेन हो गए। तो बॉटम ऐसे टॉप, यहाँ पे भी इसके कुछ ना कुछ हाइट है, जैसे 4 मीटर, तो जेड इक्वल टू 4 फिक्स रहेगा, इसके किसी भी पॉइंट पे क्या नहीं बदलेगा, जेड की वैल्यू नहीं बदलेगी। ये हो गया फाई, मतलब फाई फिक्स, तो फाई क्या होता है, एक्स एक्सिस के साथ एंगल। तो अगर इसको मैं बीच में से काटूँ ऐसे तिरछा, है ना, तो बीच में से काट के अगर मैं कुछ एक पार्ट निकालता हूँ तो उसके लिए क्या हो जाएगा, फाई जो है फिक्स हो जाएगा। क्लियर है, तो तीनों आपको प्लेन इमेजिन हो गए हैं। अच्छा तो आपको क्या करना है, ये काम कैलकुलेट करना है, अगर नहीं होता है तो मैं कल की क्लास में, नेक्स्ट क्लास में ये जो है डिस्कस कर दूंगा। अगर आपको हो जाता है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको मुझे डेफिनेटली बताना है कि हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर।